तीन चार ये तुम पांच, क्या कर रहे हो नोबिता? प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक दो समझ गया, तुम बैम्बू से सीख कबाब बना रहे हो। ओफो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है डोरेमोन, तुम्हारा तो दिमाग काम ही नहीं करता। हाँ बिल्कुल भी नहीं, इसी वजह से तुम्हारी बुरी एक्टिंग ऐसी लगती है नोबिता। क्या सचमुच? जरा देखो, क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं पर्सीमोन दौड़ रहा हूँ? क्या पर्सीमोन? एक दो तीन अच्छा आप समझा, पर ये बताओ तुम पर्सीमोन चुनने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? बात ये है कि मैं सुनियों के साथ पर्सीमोन तोड़ने जा रहा हूँ, समझे? ओ सुनियो, तुम आ गए। इंतजार तो नहीं किया? मैंने तो बहुत इंतजार किया सुनियो, अब चले। हाँ? जियान भी साथ चलेगा। अब नोबिता हमारे साथ एक परेशानी हो गई है, जो तुम्हारी जगह थी वो जियान ने ले ली है, तो इसलिए तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। क्या? देखो बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी तरफ से सारे पर्सीमोन्स खा जाऊंगा। लेकिन क्यों जियान? अच्छा चलो चलते हैं। बाय। वो ऐसा करते क्यों है? अब तुम रोना बंद करो नोबिता। लेकिन डोरेमोन, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है नोबिता, पर पर्सीमोन इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो है, हमारे पेड़ तो बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन मेरा पर्सीमोन खाने का मन कर रहा है डोरेमोन। तुम्हें बहुत भूख लग रही है क्या? हमारे पास पर्सीमोन तो नहीं है, लेकिन डोरेमोन फ्रिज में आइसक्रीम तो जरूर है। सचमुच? मेरे लिए ले आओ ना डोरेमोन। क्या? जाओ कभी कभी कुछ काम भी किया करो। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। हम दोनों कभी कभी यूं ही लड़ते हैं ना। तुमने बिल्कुल सही कहा नोबिता। क्यों, अब आया ना मजा हंसने में? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो नोबिता। फंक्शनल मिनी कार सेट। अरे ये क्या है? देखो आइसक्रीम के लिए मैं फ्रीजर ट्रक भेज दूंगा। रुको, अब क्या होगा डोरेमोन? मैंने तुम्हें अभी बताया है ना कि ये एक फ्रीजर ट्रक है, ये किचन में जाकर हम दोनों के लिए आइसक्रीम लाएगा, समझे? हाँ अब जाओ और किचन के फ्रिज से नोबिता और मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ। ओके, वाह मजा आ गया। तुम उसका पीछा करोगे तो ट्रक से काम करवाने का क्या फायदा? ये काम तो करा है, पर क्या ये सीढ़ियों से नीचे उतर पाएगा? वाह ये ट्रक तो बहुत पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रक फ्रीजर का दरवाजा खोल पाएगा। वाह इसने तो सच में कमाल कर दिया। तुम्हारा स्वागत है। ये तो बहुत कमाल का ट्रक है डोरेमोन, मुझे ये बहुत पसंद आया है। ये लो। शुक्रिया। पता है इस गैराज में और भी कई तरह के व्हीकल्स हैं। सच में? मजा आ गया। नोबिता, डोरेमोन, जल्दी से ये खा लो, फिर मुझे तुमसे काम है। वो मॉम मुझे अभी होमवर्क करना है। आपका काम मैं कर दूंगा मॉम। मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया। शुक्रिया डोरेमोन। कोई बात नहीं नोबिता, अब देखना मेल ट्रक बाहर आओ। क्या ये ट्रक भी बाहर जा सकते हैं? बेशक जा सकते हैं, इसे मेल बॉक्स तक पहुंचाओ। वाह मैं घर जाकर नहाना चाहता हूँ। आज तो मैं बाल बाल बच गया। डैड ये एक एम्बुलेंस है, डोरेमोन के पास ऐसी बहुत सारी हैं। क्या आप और देखना चाहेंगे? नादान बच्चे, मैं एक और कार नहीं देखना चाहता। अरे डोरेमोन इन्हें क्या हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि वो लाइसेंस टेस्ट में दोबारा फेल हो गए होंगे। मुझे उनके लिए बहुत अफसोस है। अगर मैं अपनी फैमिली को लॉन्ग ड्राइव पर ले जा पाता तो कितना मजा आता। सुनिए डैड,
बोलो क्या बात है नोबिता? क्या आप इस पर ड्राइव करना चाहेंगे? नोबिता डोरेमोन! डैड, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार ट्राई करके तो देखिए प्लीज। ठीक कहा, आइए मेरे कमरे में चलकर ट्राई करते हैं। अरे ये क्या है? इस सीट से आप एक छोटी कार को असली कार की तरह चला सकते हैं डैड। अच्छा, ये एक सिमुलेटर है? डैड ये बिल्कुल सेफ है। अंदर बैठ जाइए डैड। चलो देखते हैं। अब हम चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा डैड, अब ब्रेक छोड़िए और एक्सीलेटर दबाइए। अरे ये तो चलने लगी। आ, ये असली लगती है, बिल्कुल एक असली कार जैसी। ये सिमुलेटर चलाने में तो बहुत मजा आ रहा है। क्या कहा? शुक्र है बच गए। आप फिक्र मत कीजिए, ये मिनी कार बहुत मजबूत है। चलो। आप तो अच्छा ड्राइव कर रहे हैं डैड। मैं तो ड्राइविंग टेस्ट में आज तक 36 बार फेल हो चुका हूँ। क्या कहा, 36 बार? ये कार यहाँ से वहाँ क्यों जा रही है, समझ नहीं आ रहा। डैड आप क्या कर रहे हैं? नोबिता बेटा, क्या हम शिजुका को भी ड्राइव पर ले चलें? ये एक मिनी कार है, इसमें उसे ले जाने की जगह नहीं है डैड। तुमने सही कहा। ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तो ये भूल गया। कार? अब आप अच्छी तरह चला पा रहे हैं डैड। लगता तो है। हमें नहीं लगता कि आप टेस्ट में 36 बार फेल हुए होंगे डैड। देखो डोरेमोन, मुझसे ये बात दोबारा मत कहना। ऐसा करूं क्या, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की जगह पर ले चलूं? बोलो। सचमुच? मुझे रास्ता अच्छी तरह से पता है। मैं पतझड़ के पत्ते देखना चाहता हूँ डैड। कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ ऊंचे पहाड़, एक झील और परसिमोन के पेड़ हो। परसिमोन, मैं तो भूल ही गया था। तो फिर ठीक है, ये वही रोड है ना, तो चलो चले। ये बढ़िया है डैड। चलिए एक्सप्रेस वे पर चलते हैं डैड। अच्छा देखो, हम एक्सप्रेस वे पर पहुँच ही गए। सुनो डोरेमोन, खिड़कियाँ बंद कर दो। हाँ ठीक है नोबिता। ओ माय गॉड, कितना भयंकर ट्रैफिक है। पर मिनी कार्स को ट्रैफिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ डैड, जल्दी कार रोकिए। क्या बात है, जल्दी से पीछे लीजिए। बस। हाँ? मुझे पता था वो लोग यहीं पर होंगे। हम कितनी देर यहीं पर फंसे रहेंगे मॉम? मुझे बहुत भूख लगी है, हम परसिमोन्स कब खाएंगे? अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो मुझे नहीं लगता कि हम परसिमोन इकट्ठा कर पाएंगे। मतलब हम उन्हें नहीं खा पाएंगे? बहुत अच्छा हुआ, यही उनकी सजा है। फिर मिलेंगे। खिड़कियाँ खोल देते हैं। ओह कितनी सुहावनी हवा है और ताजी भी। नोबिता देखो, वाह एक नदी। ये देखो, हम नदी किनारे पहुँच ही गए। हमने कर दिखाया। मुझे यकीन है कि आप अगली बार पास हो जाएंगे। उम्मीद तो है, अगर हम इस मिनी कार में नहीं होते तो ये सचमुच नामुमकिन था। अब हम सुगंधित हवा में सांस ले सकते हैं। सच है, ये बहुत बुरी बात है कि हमें परसिमोन्स नहीं उठा सकते। पर ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। क्या कहा डोरेमोन? फॉलो बेल्ट। पर ये फॉलो बेल्ट क्या है? जरा इस बेल्ट को पहन लो।
और ये आपके लिए डैड। हाँ ठीक है। रेडी? हाँ। अब हम सभी बेल्ट पर लगे बटन को दबाएंगे। अरे वाह डोरेमोन! देखा, फॉलो बेल्ट की मदद से हम इस मिनी कार का पीछा कर पाए। मजा आया डैड? बहुत बढ़िया डोरेमोन। प्यारा नजारा है। ये क्या है? ये तो बस एक न्यूज़पेपर है, इसे यहाँ ना जाने किसने फेंक दिया होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर तो सारी जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। हाँ तुमने सही कहा। कितनी खराब बात है। फंक्शनल मिनी कार सेट में से जरा सफाई वाली कार निकालो डोरेमोन। हाँ ये अच्छा आइडिया है, वरना यहाँ की कुदरती खूबसूरती खराब हो जाएगी। पहले परसिमोन्स ले ले, बाकी काम हम बाद में कर लेंगे डोरेमोन, पहले ये काम करते हैं। सुनो नोबिता, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो डोरेमोन ठीक है। देखो इन्हें, वो गए। अच्छा मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो ठीक है, जल्दी करो। सारा कूड़ा साफ हो गया। मुझे सचमुच बहुत चिंता हो रही है। सुनो ऊपर वाले, जब नोबिता घर पहुंचेगा तो वो अपना सारा होमवर्क कर लेगा, इसीलिए उसे ये सारे परसिमोन्स खाने का मौका दे दो प्लीज।